बीजीटी होगी गंभीर की बतौर कोच आखिरी श्रृंखला। हाँ, अटकलों का बाजार गौतम गंभीर को लेकर काफी तेज हो गया है। टीका टिप्पणी गौतम गंभीर के ऊपर सोशल मीडिया पर जोरों शोरों से हो रही है। यह बताया जा रहा है कि यार गौतम गंभीर को अभी बहुत कुछ कोचिंग में सीखना है। वो जो टिप्पणियां रवि शास्त्री के ऊपर किया करते थे, रवि शास्त्री को अक्सर सिखाया करते थे कि यार बायलेटरल श्रृंखलाएं जीतकर रवि शास्त्री कैसे अपने आप को बड़ा कोच मानते। यहां पर तो बायलेटरल श्रृंखला जीतना मुश्किल हो गया है, दुश्वार हो गया है। अरे बायलेटरल श्रृंखला छोड़ो यार, हम अपनी सरजमी पर व्हाइट वॉश हो गए। व्हाइट वॉश क्या, अभी तक के इतिहास में जो किसी के भी कोचिंग में नहीं हुआ था वो गौतम गंभीर की कोचिंग में हो गया है। पहले तो हम श्रीलंका में हार गए ओडीआई श्रृंखला, वहां श्रीलंका वालों ने 2-0 से हमें खदेड़कर हरा कर भेजा। फिर यहां पर न्यूजीलैंड के खिलाफ जब हम उतरे तो आत्मविश्वास से लबरेज थे। हमें यह पता था कि अक्सर हम अपने होम सॉयल पर डोमिनेट करते हुए नजर आते हैं, अक्सर हमारे बल्लेबाज हो चाहे हमारे स्पिनर हो यहां पर अपना दबदबा दिखाते हुए आए हैं। लेकिन यह हमें नहीं पता था कि हम यहां व्हाइट वॉश हो जाएंगे, यह हमें नहीं पता था कि रोहित विराट बिल्कुल विफल हो जाएंगे, ये हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि भारतीय टीम कीवियों के आगे नतमस्तक हो जाएगी। किसकी कोचिंग में? गौतम गंभीर की कोचिंग में। तो अब सवाल उठना लाजमी है, सवाल उठ भी रहे हैं कि गौतम गंभीर की आखिरी श्रृंखला क्या बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होगी, क्योंकि यहां पर हारे तो फिर WTC फाइनल में जगह बनाना भी मुश्किल हो जाएगा, दुश्वार हो जाएगा, या यूं कहें कि नामुमकिन हो जाएगा। और बॉर्डर गावस्कर श्रृंखला जो है वो भारतीय सरजमी पर नहीं है बल्कि ऑस्ट्रेलियाई सरजमी पर है। खूंखार ऑस्ट्रेलिया जो खिलाड़ी हैं उनके सामने हमें खेलना है, वो भी अपना बदला चुकता करने के लिए काफी भूखे बैठे हैं। देखना दिलचस्प रहता है कि गंभीर की कोचिंग में वो श्रृंखला कैसी जाती है, लेकिन अगर वहां पर भारतीय टीम का बुरा प्रदर्शन आया, अगर भारतीय टीम का भयावह प्रदर्शन आया, अगर भारतीय टीम का सुपड़ा साफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में हुआ, तो बात मानिए, विश्वास करिए कि गंभीर की बतौर कोच खासकर टेस्ट फॉर्मेट में वो आखिरी श्रृंखला हो सकती है। भारतीय टीम दो कोचों के साथ जा सकती है, एक ODI और टेस्ट फॉर्मेट का और वहीं T20 का अलग, या फिर T20 ODI का एक और टेस्ट फॉर्मेट का अलग, जैसे कि इंग्लैंड इस वक्त चल रहा है। तो इस तरीके का जो प्रदर्शन आया है गौतम गंभीर की कोचिंग में, उनकी कोचिंग के ऊपर सवाल उठाते हैं, क्योंकि अभी तक जो सफलताएं उन्होंने पाई वो सिर्फ और सिर्फ T20 फॉर्मेट में पाई। अगर आप उनकी सफलताओं की बात करें तो बतौर कप्तान कोलकाता को उन्होंने चैंपियन बनाया, फिर उसके बाद बतौर मेंटोर उन्होंने KKR को चैंपियन बनाया, तो उनको T20 की समझ है और उस तरीके का प्रदर्शन भी भारतीय टीम का T20 फॉर्मेट में आ रहा है। लेकिन जब बात हो रही है लॉन्गर फॉर्मेट की या फिर लॉन्गेस्ट फॉर्मेट की, तो वहां पर उनकी कोचिंग विफल दिख रही है, भारतीय टीम का अप्रोच विफल दिख रहा है उनकी कोचिंग में, टीमों का खिलाड़ियों का मैनेजमेंट विफल दिख रहा है, कब किस खिलाड़ी को बल्लेबाजी कराया जाए ये नहीं गंभीर को समझ में आ रहा है, किसको कितना एक्सटेंडेड रन दिया जाए ये गंभीर को समझ नहीं आ रहा है, कैसे खिलाड़ियों को मोटिवेट किया जाए, विषम परिस्थितियों में कैसे उनका बेस्ट निकलवाया जाए, ये सभी चीजें गंभीर की समझ में नहीं आ रही हैं, ये अभी तक उनकी कोचिंग में देखने को नहीं मिल रहा है। भारतीय टीम की स्ट्रेटजी काफी कंफ्यूजिंग समझ में आ रही है, जिस वजह से भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ रहा है। और अगर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला है वहां पर कुछ भी बुरा हुआ, वहां पर भारतीय टीम टेस्ट श्रृंखला नहीं जीती या फिर उनका सुपड़ा साफ हुआ और भारतीय टीम WTC के फाइनल में अब जगह नहीं बना पाई, तो फिर लेने के देने गौतम गंभीर को पड़ जाएंगे, जो गौतम गंभीर काफी चर्चाओं के साथ, जो गौतम गंभीर कह सकते हैं एक तरीके से बैंड बाजा बारात लेकर आए थे बतौर कोच वो भारतीय टीम में, वो गौतम गंभीर बहुत ही जल्द भारतीय टेस्ट फॉर्मेट से विलुप्त होते हुए नजर आएंगे बतौर कोच, और नए कोच का ऐलान हो सकता है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि गौतम गंभीर कितने दिनों तक बतौर टेस्ट कोच बने रहेंगे, टिके रहेंगे, डटे रहेंगे, और कब तक भारतीय टीम का इस तरीके से भयावह प्रदर्शन जारी रहेगा। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।